Xiaomi Redmi K30 Ultra Full View Super AMOLED Display 120 Hz Refresh Rate MediaTek Dimensity 1700mAh Processor 33W Fast Charging and Many More। दोस्तों आज मैं Redmi K30 Ultra का अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन रिव्यू बताने वाला हूं। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेकी स्ट्रीट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले फ़ोन के अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। तो ये है Redmi K30 Ultra का बॉक्स। बॉटम में फ़ोन का ब्रांडिंग दिया गया है, सेंटर में 10th एनिवर्सरी मेंशन किया है क्योंकि Xiaomi को 10 साल पूरे हो गए हैं। लेफ्ट में भी फ़ोन का ब्रांडिंग दिया गया है, साइड में फ़ोन के स्पेक्स दिए गए हैं और ये फ़ोन 8GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। तो ज़्यादातर चाइनीज़ में लिखा हुआ है जो मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो कर लेते हैं बॉक्स के लीड को ओपन। और बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स दिया गया है जहाँ पे सिम इजेक्टर टूल दिया है, यूज़र मैनुअल और टाइप सी टू 3.5mm ऑडियो जैक कन्वर्टर दिया गया है, यानी फ़ोन में 3.5mm ऑडियो जैक नहीं दिया गया है। और ये है क्लियर केस जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बैक में राउंडेड जगह दी गई है यानी कैमरा मॉड्यूल राउंडेड मिलेगा। और ये है टाइप सी केबल और केबल में ऑरेंज एक्सेंट देखने को मिलता है जो काफ़ी कूल लगता है। और ये है 33 वोट का फास्ट चार्जर जो तेज़ी से फ़ोन को चार्ज कर देगा। कितनी मिनट में 0 to 100% चार्ज होगा वो मैं आखिरी में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे भी ऑरेंज एक्सेंट देखने को मिलता है। तो यही सब कुछ मिलता है बॉक्स कंटेंट में। अब बात करते हैं Redmi K30 Ultra के डिज़ाइन और बिल्ड की। तो ये है Redmi K30 Ultra। डिज़ाइन में Redmi K30 Pro की तरह ही दिखता है, फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाएगी। फ़ोन में कोई वाटर ड्रॉप नोच या तो फिर पंच होल देखने को नहीं मिलेगा। फ़ोन का पैक देखे तो सबसे पहले राउंडेड कैमरा मॉड्यूल पे नज़र जाती है जहाँ पे 4 कैमरा सेंसर्स लगे हैं। बॉटम में Redmi का ब्रांडिंग देखने को मिलता है और बैक में साइड्स देखे तो यहाँ पे कर्व देखने को मिलती है जो काफ़ी कूल लगती है। फ़ोन का बैक और फ्रंट गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड दिया गया है। फ़ोन में प्लेसमेंट की बात करें तो टॉप और बॉटम में स्पीकर्स दिए गए हैं, यानी फ़ोन में स्टीरियो स्पीकर्स लगे हैं। साथ में बॉटम में टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और ड्यूल सिम ट्रे देखने को मिल जाएगी। फ़ोन का लेफ्ट प्लेन देखने को मिलता है, राइट में वॉल्यूम रोकर और पावर बटन दिया गया है और टॉप में सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन मीक दिया गया है और साथ में पॉपअप सेल्फी कैमरा और आईआर ब्लास्टर दिया गया है। फ़ोन की फ्रेम एल्यूमिनियम की बनी है यानी बिल्ट में तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फ़ोन का वेट 213 ग्राम का है जो मुझे थोड़ा हैवी लगता है। और फ़ोन की थिकनेस भी 9.1mm की है। ओवरऑल फ़ोन की डिज़ाइन और बिल्ट काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा हैवी है। फ़ोन को कर लेते हैं स्टार्ट और बात करते हैं डिस्प्ले की। K30 Ultra में 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगाई गई है जहाँ पे कलर भी अच्छे मिलते हैं और वाइब्रेंट मिलते हैं। आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। फ़ोन में फुल व्यू डिस्प्ले और स्टीरियो स्पीकर्स यानी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा मिलेगा। डिस्प्ले में एक और अच्छी बात है, गेमर्स के लिए रिफ्रेश रेट मिलती है 120 हर्ट्ज की जो K30 Pro में सिर्फ 60 हर्ट्ज की ही मिलती है। और ये यहाँ पे एडवांटेज है इस फोन का। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो काफी तेज काम करता है, फेल रेशियो काफी कम है। और साथ में फेस अनलॉक का फीचर भी मिलता है जो मुझे थोड़ा स्लो लगता है क्योंकि पॉपअप सेल्फी कैमरा के थ्रू फेस अनलॉक होता है। फ़ोन में परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000 ऑक्टाकोर प्रोसेसर लगा है जो 5G मॉडम के साथ आता है। साथ में 6 और 8GB के रैम ऑप्शन मिल जाएंगे। और स्टोरेज की बात करें तो 128, 256 और 512GB तक स्टोरेज ऑप्शन मिल जाएगा, वो भी UFS 3.0। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और स्टोरेज को एक्सपांड यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि कोई माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया है। फोन में एंटूटू स्कोर देखे तो करीब 4,98,725 तक मिलता है जो इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। फ़ोन में पबजी मोबाइल गेम के ग्राफिक्स देख सकते हैं और रिफ्रेश रेट भी देख सकते हैं आप, बहुत ही स्मूथ चलती है।
Redmi K30 Ultra में OS की बात करें तो MIUI 12 पे चलता है, जो बना है Android 10 के ऊपर। और मेरे नॉलेज के हिसाब से ये सबसे पहला फ़ोन है जहां पे MIUI 12 मिलता है। अगर कोई दूसरा फ़ोन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। फ़ोन में कैमरे की बात करें तो रियर फेसिंग क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पे प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX686 सेंसर लगा है, जो f1.9 एपर्चर के साथ आता है। सेकेंडरी 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया है। और तीसरा 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो मैक्रो लेंस का भी काम करता है। और चौथा और आखिरी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, जो पोर्ट्रेट फोटो लेने के लिए दिया है। फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K वीडियो 30 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है, 60 FPS दिया होता तो अच्छा रहता। आप यहाँ पे फोटोज़ और वीडियो के सैंपल्स देख सकते हैं। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की यूज बैटरी लगाई गई है, जिसको चार्ज करने के लिए 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा, जो करीब 58 मिनट्स में ही 0 to 100% बैटरी को चार्ज कर देता है। Redmi K30 Ultra की प्राइस की बात करें तो चाइना में 1999 चीनी युआन में मिलता है, करीब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो करीब 21,500 रुपये तक होती है इसकी प्राइस। कंक्लूजन पे आए तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, रिफ्रेश रेट भी अच्छी है, स्टोरेज ऑप्शन भी काफ़ी बढ़िया मिलते हैं, लेकिन फ़ोन थोड़ा हैवी और बल्की लगता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं Redmi K30 Ultra के बारे में? कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मैं जल्दी ही Mi 10 Ultra का अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन रिव्यू करने वाला हूं, तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।